नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं रोहित के व्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो के साथ। सो आज का हमारा टॉपिक है ड्रेसिंग टेबल। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो को काफ़ी अच्छा प्यार मिला है, इस वीडियो को उससे ज़्यादा प्यार देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रेसिंग टेबल जो मैंने डिज़ाइन करवाई है, इसकी हाइट एंड लेंथ मैं बता दूं, 6 फीट 6 इंचज इसकी हाइट एंड लेंथ जो है इसकी 2 फीट 6 इंचज। इसमें मटेरियल जो यूज़ हुआ है कमर्शियल बोर्ड यूज़ हुआ है एंड इसके अंदर माइका यूज़ करी है मैंने। दो कलर की इसमें भी माइका यूज़ करी है, अंदर कलर अलग यूज़ करा है एंड बाहर कलर अलग यूज़ करा है मैंने। आप पूरी मेरी ड्रेसिंग यूनिट देख सकते हैं। अपर पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इसकी मोल्डिंग यूज़ करी है सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर, इसको सागवान की लकड़ी बोलते हैं हम। इसके ऊपर पॉलिश करी गई है ब्राउन कलर की, इसको कि इसको मैच करना था मेरे को। एंड इसकी जो एलईडी लाइट है ये यहाँ पर लगाई है मैंने, देख सकते हैं ताकि अपने आप को अच्छे से देख सकें हम। एंड इसका स्विच ये रहा लाइट का, यहीं से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल इसे हम ऑफ कर देते हैं। अब मिरर पे आते हैं हम। मिरर इसमें जो मोल्डिंग लगी हुई है देख सकते हैं आप, पूरी मोल्डिंग ये ज़्यादातर हाईलाइट करने की यूज़ होती है वाली मोल्डिंग, फ्रेमिंग वगैरह, फ़ोटो फ्रेम हो गया, मिरर वगैरह, इन सब चीज़ों पे ज़्यादातर यूज़ होती है। ज़्यादातर बॉर्डरिंग करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए चीज़ें यूज़ होती है। इसके साइड में मैंने 2 कैबिनेट दिए, स्टोरेज दिए परफ्यूम वगैरह कुछ भी रखने के लिए। 2 शटर के साथ दिए, मैं एक सिंगल शटर भी दे सकता था लेकिन नहीं दिया मैंने। अंदर इसके कब्जे यूज हुए हैं पूरे लॉन्ग, ये साइज़ के अकॉर्डिंग लग सकते हैं कब्जे, अपने साइज़ के जो शटर का साइज है उस साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके लगा सकते हैं हम इसे। पूरे लॉन्ग ऊपर से नीचे तक एंड तक होते हैं। इसका जो मिरर है फिक्स नहीं है, मूवेबल है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। अंदर स्टोरेज भी दिया है मैंने इसके 3 शेल्फ के साथ। ठीक ही बात करते हैं, 2 ड्रॉर दिए हैं मैंने, देख सकते हैं आप। अंदर स्लाइडर दिए हैं एंड नीचे 2 शटर के साथ 1 केबिन दिया है पूरा। मैं अंदर से दिखा देता हूँ पूरा, देख सकते हैं आप। इसके अंदर एल बिहारी कब्जा यूज हुआ है। बात करते हैं इसके लेग्स की, SS के लेग्स दिए हैं, 3 इंचज के लेग्स है। मार्केट में कहीं से भी आप बाय कर सकते हैं इसे। सो गाइस एक चीज़ मैं बता दूं, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं पूरी हर जगह पे देख सकते हैं आप ये, ठीक है। इसको हम टक्कर बोलते हैं, इस पर हम ज़्यादातर टेप यूज़ करते हैं, ज़्यादातर क्या टेप ही यूज़ करने चाहिए। इसके साइजेज अलग अलग आते हैं, बोर्ड के हिसाब से साइजेज आते हैं इसके। एंड देख सकते हैं आप, इसमें जैसे माइका के कलर आते हैं वैसे ही इसमें कलर आते हैं। इसको मैंने मैच करवाया है इसके, देख सकते हैं आप पूरी सेम टू सेम लग रही है। इसमें जो मटेरियल पेस्टिंग के लिए यूज़ होता है वो है हीटेक्स, फेविकोल नहीं यूज़ होता है इस पर हीटेक्स यूज़ होता है, फेविकोल माइका में यूज़ होता है पेस्ट करने के लिए। सो गाइस इस माइका का एक बेनिफिट है, ग्लॉसी माइका है, इसमें कभी भी आप मतलब डस्ट नहीं देख सकते, साफ़ सफाई आराम से हो जाती है इस पर, कभी कोई दाग धब्बा नहीं लग सकता इस पर। ऑयल वगैरह जैसे चिपक जाते हैं वो ईजिली क्लीन हो सकते हैं इस पे से। सो इसका जो टोटल प्राइस पड़ा है मेरे को 7500 पड़ा है। एंड एक छोटी सी सेशन देना चाहूँगा मैं आपको, ऑनलाइन फर्नीचर ना परचेज करें, आप खुद जाके मार्केट में देख के आए कौन सा मटेरियल क्या है। ऑनलाइन फर्नीचर में पार्टिकल बोर्ड यूज़ होता है जो कि वुडन वेस्ट से टुकड़ों से पेस्ट करके बनाया जाता है, उसको ना यूज़ करें। उसकी ड्यूरेबिलिटी सही नहीं होती, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 30 दिन, 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा वो। ये ड्रेसिंग टेबल की ऑटोकैड वर्किंग ड्राइंग है, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा मैं, दिख ही रहा होगा आपको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ मैं कि इसकी जो लेंथ है ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 फुट दे सकते हैं आप एंड कम से कम 1 फीट 6 इंच माने, यानी कि 1.5 फुट
उससे कम नहीं दे सकते, अच्छी नहीं लगी। और 2.5 फुट से ज़्यादा दोगे तो अच्छी नहीं लगेगी। और इसकी हाइट हम ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 फुट दे सकते हैं, ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन बॉडी की हाइट 7 फुट तक होती है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। कम से कम इसकी हाइट 6.5 फुट तक दे सकते हैं, उससे कम देंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप यूज़ नहीं कर पाओगे इसे। ये साइड एलिवेशन है, नीचे से 1 फुट 3 इंच है एंड ऊपर से 7 इंचेस है डेप्थ इसकी। सो गाइस, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। अगली वीडियो फर्नीचर मार्केट की आएगी, वेट करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।